हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? सो आज हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर लेक्चर नंबर 5 में एक बार फिर से डायरेक्शनल डेरिवेटिव को समझने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी हम लोग एक और लेक्चर नंबर 4 में डायरेक्शनल डेरिवेटिव और नॉर्मल डेरिवेटिव के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है? वो भी एक अच्छा वीडियो था, आप उसको भी देख सकते हैं। बट यहां पर हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बेसिकली जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है उसका भी कांसेप्ट है यहां पर, बट वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, आपसे डायरेक्टली डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाता है। तो बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल वो सब पे वीडियो करेंगे एकदम डिटेल में। बट अभी हम लोग को डायरेक्शनल डेरिवेटिव को एक बार फिर से इस पे और क्वेश्चंस लगाना जरूरी है। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो लिखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव को समझेंगे, उसके बाद एक बार एक करके हम लोग इस पे ढेर सारा क्वेश्चन लेंगे और आपका कांसेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव सबसे पहले होता क्या है। तो मान लीजिए कि ये कोई एक सरफेस है, ठीक है? और सरफेस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमेशा फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सरफेस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? इस सरफेस के ऊपर हम लोग एक लेते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है? इस सरफेस के ऊपर क्या लेंगे हम लोग? एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एन कैप से। इस यूनिट नॉर्मल वेक्टर से कुछ दूर एक और वेक्टर हम लोग लेंगे, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी कैप से, डी कैप से, ठीक है? और ये जो डी कैप है, इसी वेक्टर का हम क्या निकालते हैं? डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है? तो व्हाट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव? देखिए, उसका मतलब अभी हम समझाएंगे आपको कि ये जो वेक्टर है, जो नॉर्मल वेक्टर से इस तरफ है, इसी वेक्टर का हम क्या निकालते हैं? डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है? तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता क्या है बेसिकली? देखिए, कोई एक वेक्टर होता है, उस वेक्टर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। उस वेक्टर का, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी वेक्टर क्वांटिटी का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब क्या? मतलब देखिए, इस नॉर्मल वेक्टर से हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब डिफरेंशिएशन होता है, उसी को बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब किसी वेक्टर के डायरेक्शन में जाके उसका डेरिवेटिव, जाके उसका डिफरेंशिएशन। चलिए, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है डेल, बुक में से आपको लिखा भी मिल जाएगा, डेल फाई डॉट डी कैप। क्या मतलब इसका? डेल का मतलब तो डेल ऑपरेटर है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग किसी वेक्टर का निकाल रहे हैं, बट इस बेसिकली ये जो सरफेस है फाई, इसी का हम क्या निकाल रहे हैं? डेरिवेटिव। ये क्या मतलब हुआ? देखिए, हम लोग इस वेक्टर के अलोंग जाके डिफरेंशिएशन कर तो रहे हैं, बट देखिए यहां पर डेल फाई है, मतलब इस फाई सरफेस का ही हम क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव। एक्चुअल में कंसेप्ट ये हुआ इसका, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो हम निकाल रहे हैं वो इस सरफेस का निकाल रहे हैं, ना कि इस वेक्टर का। तो फिर हम तभी से आपको क्यों बोल रहे थे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग किसी वेक्टर का निकालते हैं, क्योंकि हम इस वेक्टर के अलोंग जा कर रहे हैं, इस वेक्टर के, देखिए इस वेक्टर को भी हम यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, उसके बाद डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो व्हाट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव? डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ अ सरफेस, एक पर्टिकुलर सरफेस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और इसका जो कंसेप्ट है, मतलब इसका जो प्रूफ भी है, ये जो फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिनोट किससे करते हैं? तो इसका कोई सिंबल नहीं है बेसिकली। देखिए, ऐसे भी बुक में लिखा रहता है कि डेल फाई बाई डेल आर इक्वल्स टू आर, यहां पर क्या है? आर मतलब कि हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते थे किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो इसलिए यहां पर आर लेते हैं, और ये फॉर्मूला फिर लिखा रहता है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये जो है इसका मतलब भी क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखिए, इस सरफेस का हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आर के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को ही बताने के लिए ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको हटाते हैं और इसको डायरेक्टली डीडी लिख देते हैं। अब डीडी का मतलब क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डीडी से मेरा मतलब है यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसको थोड़ा और सही से हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, डॉट डी कैप, ठीक है? अच्छा, सुनिए, तो हम क्या बोल रहे हैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, हम लोग सिर्फ ऐसे लिखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेल फाई डी कैप। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब तो हम तभी से आपको सिर्फ डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में समझाए जा रहे हैं, बता ही नहीं रहे कि ये डी कैप क्या है। डी कैप यहां पर ये वाला वेक्टर है, और कैप, कैप लगा हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो इस डी कैप को हम लोग और खोल के कैसे लिखेंगे? इस डी कैप को हम लोग लिख सकते हैं डी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। ये तो 11th का कंसेप्ट है कि किसी भी यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे वेक्टर और नीचे में उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये आपको पता है, ठीक है? अच्छा, अब ये डी वेक्टर जो है, डी वेक्टर का मतलब क्या है? तो देखिए, डी वेक्टर का मतलब है यहां पर डेल फाई, मतलब यहां पर ये डेल फाई तो पहले से ही है, और ये जो हम जो डी वेक्टर निकालेंगे उसको भी क्या बोलेंगे? डेल फाई। और ये नीचे में डी वेक्टर, यहां पर डिवाइडेड बाई डेल फाई का मैग्नीट्यूड,
क्लियर। तो ऐसे करके हम लोग डी कैप को निकालेंगे, हर एक क्वेश्चन के अंदर हम लोग ऐसे ही निकालने वाले हैं। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और बहुत बड़ा कंसेप्ट भी यहां पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव को लेकर, अभी आपको समझाते क्या कंसेप्ट है। देखिए इसका डेरिवेशन है, और डेरिवेशन इसका मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आ ही नहीं रहा डेरिवेशन, और डेरिवेशन का कोई लॉजिक भी नहीं है इसके पीछे का। बस हम लोग क्या करेंगे कि इस डी कैप का एक कंपोनेंट इस तरफ तोड़ देंगे और फिर डेरिवेशन कर लेंगे। तो डेरिवेशन आ नहीं रहा, इसलिए आप फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को बनाने का कंसेप्ट क्या है। अब देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, अभी आपको समझाते हैं। देखिए यहां पर जब हम फॉर्मूला, इसको पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि ये वाला हटा देते, क्योंकि इसको आपको नहीं लिखना, इसको आप बिल्कुल मत लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। यहां पर फाइ का आर के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसी को डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं, बट ये एक कंफ्यूजिंग फैक्टर है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। आप सिर्फ इतना अभी याद रखिए कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग किसको बोलते हैं, एक डेल ऑपरेटर होता है और एक सरफेस होता है, जब दोनों का हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन और फिर डॉट करते हैं एक यूनिट वेक्टर के साथ, एक यूनिट वेक्टर जो इस तरफ रहता है, ठीक है। ये क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ऑब्वियसली यहां पर ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, तब ना इस पे कैप लग रहा है, सही है। तो इस डी कैप का फॉर्मूला देखिए यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहां पर ये डेल फाई लिखा हुआ है, हम बोलते हैं कि आप इसको डेल फाई मत लिखिए, आप इसको डेल फाई वन लिखिए, क्या लिखिए डेल फाई वन। अब यहां पर ये डॉट को ऐसे रन दीजिए, और ये जो डी कैप है उसका वैल्यू कितना लिखा हुआ डेल फाई, तो अब यहां पर इसको हम लोग और कैसे लिखेंगे, देखिए डी कैप का वैल्यू वहां पर भी लिखा हुआ, देखिए डी कैप का वैल्यू, डी कैप का वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है ना डेल फाई, देखिए मान लीजिए आप इसको फाई रन देते, मान लीजिए आप इस डेल फाई को ऐसे रन देते, यहां पर रहने दीजिए, और यहां पर ये जो डी कैप है इसका वैल्यू ये लिखा हुआ है, तो इस डी कैप का इस वैल्यू को हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, करते हैं डेल फाई मैग्नीट्यूड, यही कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, हाँ ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको बहुत कंफ्यूजिंग दिख रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब था डीडी का मतलब डायरेक्शन, अरे भाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो टॉपिक लिखा हुआ है उसी को हम डीडी लिख रहे हैं, ऐसा कोई सिंबॉल नहीं है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, डीडी का मतलब यहां डायरेक्शनल डेरिवेटिव और कुछ नहीं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का यहां पर फॉर्मूला क्या है, डेल फाई डॉट डी कैप, ये फॉर्मूला डायरेक्शनल डेरिवेटिव का बेसिकली। अब ये डी कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो आपको इस तरफ दिख रहा है, इसका डी कैप निकालते कैसे हम लोग, डी कैप को क्या करते हैं डी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर लिखते हैं और ये फॉर्मूला लिखते हैं। अब ये जो वैल्यू है डी कैप का, ये जो वैल्यू डी कैप का उसको हम लोग यहां पर पुट कर दिए, कर दिए पुट, कंफ्यूजिंग नहीं दिख रहा है, फाइव फाइव क्या ये दोनों फाइव बराबर है, डिपेंड करता है आपका जो क्वेश्चन होता है, मतलब जो न्यूमेरिकल होता है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फाइव का दो दो वैल्यू दिया हुआ है, मतलब एक सर्फेस फाइव, मतलब एक सर्फेस का मान लीजिए दिया हुआ है एक्स वाई जेड, एक सर्फेस दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन में एक और चीज लिखा हुआ है कि नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर का सरफेस, नॉर्मल वेक्टर सरफेस लिख के, नॉर्मल वेक्टर सरफेस लिख के जब आपको सरफेस देगा, तो यानी कि ये वाला जो सरफेस हुआ वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हुआ, मतलब ये सरफेस हुआ, और ये एक और सरफेस जो दे रहा है वो ये वाला हुआ, क्लियर। इसीलिए हम आप इसको बोल रहे हैं कि आप इसको फाइव वन ले लीजिए और इसको फाइव टू ले लीजिए, तब कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा। दिस इज फाइव वन, और जब आप इस डी को खोलिएगा तो आपको एक और क्या मिल जाएगा, फाइव टू, तो ये फाइव टू बेसिकली हुआ, क्लियर है आपको, एकदम क्लियर होगा। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में कभी कभी दो सर्फेस भी देता है, तो एक सर्फेस जो होगा वो किसका होगा, एक सर्फेस ये वाला होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला, और ये एक और सर्फेस जो फाई टू है वो किसके लिए होगा, ये डी कैप निकालने के लिए, देखिए डी कैप में ही फाई टू आ रहा है। कभी कभी आपको ऐसा होता है कि एक ही सर्फेस दिया रहता है, जैसे देखिए ये तो फाई वन था और यहां पर जो एक और सर्फेस रहेगा वो फाई टू रहेगा। कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको सिर्फ एक सर्फेस दिया रहता है, तो जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक सर्फेस दिया रहा है, सर्फेस मतलब जो फाई का सिर्फ एक ही वैल्यू दिया रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा फाई वन इक्वल्स टू फाई टू इक्वल्स टू फाई, मतलब आप एक ही सर्फेस से काम चला लीजिएगा। मतलब कभी कभी आपको क्वेश्चन में दो सर्फेस रहता है, दो सर्फेस रहेगा तो अब उसको हम लोग अलग अलग करेंगे, जो पहला सर्फेस रहेगा जिसमें लिखा रहेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है जिसके अलॉन्ग, तो उसको यहां पुट करेंगे, और जिसमें लिखा रहेगा कि नॉर्मल वेक्टर, जिसमें लिखा रहेगा नॉर्मल वेक्टर सर्फेस, तो फाई टू हो जाएगा वो, क्लियर हुआ। तो बेसिकली यहां आप कभी कभी आपको दो सर्फेस पक्का देगा ही देगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें दो सर्फेस दिया हुआ, और अगर सिर्फ एक ही सर्फेस दिया रहा है तब, तो एक ही सर्फेस दिया रहेगा तो आप इन दोनों को इक्वल करके और फाई के बराबर लिख दीजिएगा। मतलब ये जो डी कैप है और ये जो फाई है वो एक ही सिंगल सर्फेस है, दो नहीं हुआ, कब, जब सिर्फ एक ही सरफेस क्वेश्चन में दिया रहेगा चब। तो चलिए इतना डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आप लोग ये कंसेप्ट समझ गए कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है उसको डेल फाई वन डॉट डी कैप हम लोग लिखते हैं। आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू डेल फाई डॉट डी कैप, जो हम लोग आपको तभी से यहां पर समझा रहे हैं। देखिए ये फॉर्मूला हुआ बेसिकली, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लेकिन बाकी जो यहां पर डिस्कशन क्या हुआ, फाइव वन लिखा हुआ है, फिर यहां पर और उसको खोल के लिखा हुआ है, ये कब करना है, जब आपको दो सर्फेस दिया रहेगा तब करना है। चलिए गाइस, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब क्वेश्चंस लेते हैं इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव में। तो एक बार क्या करते हैं कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव में क्या क्या है, और कुछ छोटा मोटा और कंसेप्ट है, हमको लगता है कोई सरफेस वाला जो कहानी है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ये समझ में आया होगा कि कभी कभी क्वेश्चन में दो सर्फेस दिया रहता है तब हमको उसको कैसे हैंडल करना है। जब दो सर्फेस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्फेस को फाइव वन ले लेंगे, फाइव वन किसको लेना है, फाइव वन उसी को लेना है
जिसमें लिखा रहेगा कि उसके अलोंग आपको डिफरेंशिएशन करना है, और फाइ टू किसको लेना है, फाइ टू उसको लेना है जिसमें आपको नॉर्मल वेक्टर लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसको हम लोग को अलग अलग सॉल्व करके और फिर फॉर्मूला पुट कर देना, और कुछ नहीं करना है, फिर सॉल्व कर देना। कोऑर्डिनेट्स भी आपको क्वेश्चन दिया रहता है, तो कोऑर्डिनेट्स भी आपको पुट करना होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो आपको क्लियर होगा। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब समझ में आया आपको, कि एक वेक्टर का डेरिवेटिव, उसी को हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो बेसिकली यहां पर जो एक और चीज है, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, कि आपको क्वेश्चन में ये भी लिखा रहता है, क्या क्या वर्ड लिखा रहता है वो आपको बता रहे, ठीक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर है, ठीक है। देखो एक और वर्ड लिखा रहता है, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, इसका मतलब भी क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई लिखा है, इसका भी मतलब क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, समझ गया आप, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई भी अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है तो मतलब आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही निकालने बोल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज आपको डायरेक्टली बोलता है, डायरेक्टली आपको लिखा रहेगा फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तब तो आप कर लीजिएगा डायरेक्टली, इसमें दिक्कत नहीं है जब फाइंड बोलेगा तो। तीसरा चीज आपको क्या समझना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर के बारे में, तो हम बता देते हैं। यूनिट नॉर्मल वेक्टर वही डी कैप को ही बोल रहे हैं, और उसका वैल्यू हम लोग क्या लिख रहे थे, डी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। अच्छा, ये जो बहुत सारा, ये डी कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर इसको हम लोग बोलते हैं, डी वेक्टर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर। और जब इसका कैप लग जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। देखिए बहुत सारा बुक में ये जो डी कैप है उसको एन कैप भी लिखा रहता है, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, एन कैप डी कैप एक ही चीज है, एन कैप को भी आप यही लिखिएगा, दोनों सेम चीज है, एकदम आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, एकदम आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहां पर जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं हम लोग, डेल फाई डॉट डी कैप, यही लिख रहे थे फॉर्मूला। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, डेल फाई डॉट एन कैप, एक ही बात है, सेम थिंग, ये चाहे लिखे चाहे ये लिखे, एक ही चीज। और फाइव वन फाइव टू कब कंसिडर करना है उसका आपको मतलब क्लियर हो गया, कि फाइव वन फाइव टू कब लेना है, जब वहां पर दो सर्फेस रहेगा तो इसको फाइव वन लेना है, और इसको जो आप सॉल्व करके लिखेगा उसके अंदर फाइव टू लेना है, और ये डी कैप का वैल्यू क्या, ऐसे निकालना डी कैप का वैल्यू। अच्छा, ये जो डी वैक्टर है ये कैसे निकालिएगा, यहाँ जो डी वैक्टर है वो कैसे निकलेगा, तो डी वैक्टर के लिए आप क्या कीजिएगा, डेल फाइव, ठीक है, डी वैक्टर निकालने के लिए भी आप कीजिएगा डेल फाइव। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज भी बोलेगा तो उसका मतलब भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव। चलिए गाइस, तो हम लोग एक काम करते हैं, अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। चलिए तो देखिए गाइस, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कि कैलकुलेट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट अ पॉइंट दैट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। देखिए ये आपका क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि आपको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यहां तो डायरेक्टली खैर लिखा हुआ कि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। देखिए ये एक आपको पॉइंट दिया हुआ है, इसके डायरेक्शन में, यानी कि इस वेक्टर, इस पॉइंट के डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसी के डायरेक्शन में निकालना है, यानी कि ये आपका क्या होगा, डी वेक्टर। एग्जैक्टली, इसके इस पॉइंट के ही डायरेक्शन निकालना है, एट द पॉइंट, ये तो गिवन पॉइंट है जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसके डायरेक्शन में निकालना है, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग डी वेक्टर लेते हैं, और इसका लिख लेते हैं इसको थ्री, ये आई कैप प्लस टू, टू नहीं है, वन है, प्लस वन जे कैप माइनस जे कैप, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसी के अलावा हम लोगों को क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक। तो ऐसा करते हैं हम लोग, पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला लिखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, आप खुद भी ट्राई कीजिए इसको, डेल फाई डॉट डी कैप, ये फॉर्मूला डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, ठीक है। पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि डेल फाई निकालते हैं। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको कितना सरफेस दिया हुआ, सरफेस मतलब स्केलर फील्ड, एक सरफेस दिया हुआ, और कहीं आपको कोई सरफेस दिख रहा है, कोई सरफेस नहीं है। इस एफ को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फाई। अरे भाई ये जो एफ है स्केलर है ना, तो इसलिए वेक्टर कहां लगा हुआ उसके ऊपर, तो वही सरफेस हुआ, ठीक है। तो एफ का वैल्यू किसके बराबर, फाई के बराबर, और उसका वैल्यू कितना दिया है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, करेक्ट, ये आपका एफ हुआ। और देखिए f मिल गया आपको, अब डेल और d कैप, चलिए पहले हम लोग d कैप निकालते हैं। तो d कैप कैसे निकालेंगे हम लोग, d कैप निकालने के लिए क्या करेंगे, d वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ d वेक्टर। तो d वेक्टर कैसे निकालेंगे, डेल और फाई को
मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर डी मॉड कैसे निकलेगा, तो इसी डेल फाई का जो हम लोग निकालेंगे उसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग डेल फाई निकालते हैं, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप डेल फाई निकालने सिखाते हैं। डेल ऑपरेटर को पहले हम लोग लिखेंगे और उसको फाई के साथ करेंगे। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ये आपका डेल ऑपरेटर हुआ। और फाई का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, ये फाई है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, ये आपका फाइव हुआ। तो हम देखिए पहले इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, एक एक के साथ, तीनों के साथ भेजना है। तो पहले हम लोग जब इसको इसके साथ भेजेंगे, चलिए हम लोग अपना करके ही दिखा देते हैं आपको कैसे करना है। जब इसको इसके साथ भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव नाम ही है आई कैप, ऐसे ही कैसे ही प्लस, फिर हम लोग इसको यहाँ भेजेंगे क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल वाई, ये वाला लिखते हैं हम लोग एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर जे कैप, ठीक है। फिर ये प्लस, प्लस का प्लस, और यहाँ पर क्या है जेड है ना, तो डेल बाई डेल जेड दिस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, और यहाँ क्या है के कैप, ठीक है। अब देखिए सबको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर यहाँ तो x है नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन 0, i कैप उतर जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना होगा 2xy, इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, 2 सामने आएगा ना, nx का पावर n-1 फॉर्मूला लगा रहे हैं, आपको इतना आना चाहिए। y का y के रिस्पेक्ट में इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, प्लस y का डिफरेंशिएशन 1, z स्क्वायर ऐसे ही बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा j कैप प्लस। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो कहीं से सीख लीजिए डिफरेंशिएशन, तभी आपको क्लियर होगा, क्योंकि हर जगह यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज होगा, बिना डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा। जेड के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो जेड है नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ जेड है तो 3 सामने आएगा तो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 सामने आया 3 वाई जेड स्क्वायर, ये वाले का इसका तो 0 हो गया, और यहाँ पर के कैप ऐसे ही का ऐसे ही, तो ये आ गया आपका क्या चाहिए, डेल फाई। इसके लिए आया डेल फाई, ये वाला डी कैप के लिए। अच्छा यहाँ पर डेल फाई का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, उससे पहले जो आप डेल फाई निकाले हैं तो इसमें कोऑर्डिनेट्स कितना दिया गया है, 1, -1, 1, ये कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स को पुट कीजिए, डेल फाई जो आप निकाले हैं उसमें कोऑर्डिनेट्स को पुट कीजिए। चलो हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो जो डेल फाई हम लोग निकाले हैं उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स को पुट कर रहे हैं, तो क्या क्या पुट करना है, 1, -1, 1, तो आप जब इसकी जगह 1 पुट कीजिएगा तो 1 पुट कीजिएगा तो कितना आएगा, सिर्फ आई कैप बचेगा, सॉरी माइनस आई कैप बचेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर y का माइनस है, आई कैप बचेगा, क्योंकि देखिए y का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, y का वैल्यू -1 दिया ना, तो 1 आएगा, फिर यहाँ पर जब पुट करेंगे तो कितना होगा, प्लस 2xy, ये x है ये y है, तो x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है -1, तो कितना होगा, -2, अरे भाई ये वाला -2, और ये प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड कितना है 1, तो कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद यहाँ क्या है जे कैप ऐसे ही कैसे ही, उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है फिर 3yz, तो y का वैल्यू कितना है, ये y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू कितना है 1, कितना आएगा -3 के कैप, तो ये आया आपका डेल फाई कोऑर्डिनेट्स को पुट करके, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बेसिकली हम लोग डेल फाई को ये लिख सकते हैं, डेल फाई इक्वल्स टू आई कैप, ये कितना हो जाएगा -j कैप -3, ये आएगा आपका डेल फाई, ठीक है करेक्ट। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि एफ, देखिए ये अब क्लियर है, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि देखिए हम लोग डी कैप निकाल चुके हैं ना, तो डी कैप अब निकाल लेते हैं बेसिकली। तो डेल फाई हम लोग कितना निकालें, ये डेल फाई देखिए, डेल फाई वहाँ लिखा हुआ है आई कैप -j कैप -3 के कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड आपको पता है निकालते कैसे, डेल फाई उसका मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, पता है ये सब आपको, इसका कितना आ जाएगा 1 + 1 रूट अंडर 11 आएगा, 3 × 9 11 रूट अंडर 11, ये कितना आ रहा है रूट अंडर 11, तो ये आपका देखिए डी कैप निकल गया, देखिए डी कैप ये फॉर्मूला हम लोग को पुट करना सारा वैल्यू, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने बोला ना, डी कैप निकल गया। डेल फाई तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, डेल फाई देखिए हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो अरे भाई देखिए सरफेस जो है, सरफेस आपको कितना दिया हुआ है, सरफेस एक ही है ये वाला, तो ये सरफेस है
फाई एक ही है, फाई वन फाई टू तो नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ फाई होगा। तो ये जो डेल फाई इसके लिए आ रहा है, मतलब यहाँ पर वाला जो डेल फाई है और यहाँ जो डेल फाई लिखा हुआ, बोथ आर सेम। तो ये जो हम लोग वैल्यू निकाले, ये इस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा डेल फाई, डेल फाई कितना हम लोग का, ये दिस इज डेल फाई, दिस इज डेल फाई, ठीक है, वो डेल फाई है आपका। अच्छा एक चीज पे आप गौर कीजिए, यहाँ पर ये जो डी वेक्टर है ये तो आपको पहले से ही क्वेश्चन में दिया है, देखिए ये तो, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये तो डेल फाई ये वाला होगा, तो इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से। ये तो पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये थ्री आई कैप माइनस थ्री आई कैप माइनस सॉरी प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये तो पहले से ही दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। ये डी वेक्टर तो पहले से ही दिया हुआ है, देखिए ये वाला जो था इसके अलॉन्ग निकालना था, तो डी वेक्टर तो पहले से ही दिया हुआ है। अच्छा ये डेल फाई हम लोग कितना निकाले, देखिए डेल फाई हम लोग ये निकाले, ये डेल फाई को लिखते हैं यहाँ पर, ये डेल फाई को वैल्यू ये निकाले, तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस थ्री के कैप, ये डेल फाई हुआ, डेल फाई हुआ डॉट डॉट, डी कैप कितना आया, देखिए दिस इज डी कैप, ये डी कैप है, इस डी कैप को यहाँ पुट करते हैं, तो डी कैप कितना है थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन ये रूट अंडर इलेवन, रूट अंडर इलेवन, ठीक है। अब इसको हम लोग डॉट करते हैं, इसको हटा दिया जाए, देखिए ये डेल फाई को भी हम आपको ऑपरेट करने सिखा दिया कि कैसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करने वाले हैं हर क्वेश्चन में। एक बस यहाँ पर डाउट क्लियर करना था आपको कि ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन में निकालना है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब होता है ये डी वेक्टर, डी कैप, इसका डी वेक्टर तो पहले से ही दिया हुआ है, तो आप जो डेल फाई पुट कीजिएगा, ये जो निकाले हैं वो डेल फाई नहीं पुट करना है, वो डेल फाई कहाँ पुट हुआ, यहाँ पर पुट होगा, और ये जो डी वेक्टर था वो तो पहले से ही दिया हुआ, तो इसलिए आप इस वैल्यू को पुट कीजिएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, सो इसको जब हम लोग डॉट करेंगे तो कितना आएगा, आई कैप थ्री जे कैप माइनस वन माइनस माइनस प्लस थ्री अपॉन कितना है रूट अंडर इलेवन, क्लियर। ये आई कैप वन हुआ और वन थ्री जा थ्री माइनस माइनस यहाँ पर माइनस वन और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा थ्री प्लस थ्री सिक्स माइनस वन बाई रूट अंडर इलेवन, दिस इज फाइव बाई रूट अंडर इलेवन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपको बस एक ध्यान देना है एक चीज पे कि जब आपको डायरेक्शन दिया हो पहले से तब आपको डी वेक्टर ये यही लेना है जो दिया हुआ है, देखिए थ्री था तो थ्री आई कैप वन जे कैप माइनस वन के कैप, ठीक है। और एक और चीज पे क्या ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि डेल फाई जब आप कर रहे हैं तो डेल फाई से जो आप जो वैल्यू निकालिएगा वो डेल फाई यहाँ पुट कीजिएगा, और डी कैप में, डी कैप निकालने का वेक्टर तरीका क्या है, डी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, ये देखिए ये डेल फाई उसका मैग्नीट्यूड अपॉन दिस, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं और डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के ऊपर। तो क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फंक्शन एफ इक्वल्स टू दिस इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल टू द सरफेस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई एट द पॉइंट दिस, ठीक है। तो इस बार आपको क्या बोला गया है, इस बार आपको बोला गया है कि देखिए दो सरफेस दिया हुआ है, देखिए एक सरफेस ये दिया हुआ है एफ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही निकालना है, और एक और सरफेस ये दिया हुआ है जेड इक्वल टू एक्स वाई। तो आपको तभी से वीडियो का स्टार्टिंग से यही कंसेप्ट बताया जा रहा है कि जब दो सरफेस दिया हो तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, उसी बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर दो दो सरफेस दिया है तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले ये जो सरफेस दिया हुआ है आपको पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूला में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल्स टू, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेल फाई डॉट डी कैप, दिस डी कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब देखिए जब हम लोग इसको खोलेंगे और फॉर्मूला को तो कैसे लिखेंगे इसको, डेल फाई डॉट डी कैप को क्या लिखेंगे, डी वेक्टर बाई मैग्नेट्यूड ऑफ डी वेक्टर, इसको और क्या लिखेंगे, डेल फाई डॉट ये डॉट डी वेक्टर को क्या लिखेंगे, डेल फाई बाई मैग्नेट्यूड ऑफ डेल फाई। अब यहां पर फाई तो दो है, एक फाई ये भी दिया है और एक फाई ये भी दिया है, लेकिन आपको लिखा हुआ यहां पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फंक्शन दिस, मतलब इसका आपको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी कि ये जो सरफेस है यहाँ पर देखिए इसको हम लोग फाइव वन बोल देते हैं, इसको फाइव टू बोल देते हैं, ठीक है, ये जो डी वाला सरफेस है उसको फाइव टू बोल रहे हैं, और जो ये वाला सरफेस है किसका सरफेस, ये इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, उसको हम लोग फाइव वन बोल रहे हैं, ठीक है, चलिए इसको हम लोग फाइव वन ले लेते हैं, क्लियर। ऐसे करके आप कंफ्यूजन को खत्म कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए वो लिखा हुआ डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द स्केलर फंक्शन दिस, मतलब इस फंक्शन का आपको क्या निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो ये सरफेस क्या हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए। तो फाइव वन का वैल्यू कितना मिला हमको, फाइव वन का वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से
समझ में आ रहा है ना आपको हम क्या बोल रहे हैं? दो सरफेस यहाँ पर है, तो दो सरफेस में लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा सरफेस होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का और कौन सा सरफेस इस यूनिट वेक्टर का होगा, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको फाइव टू ले रहे हैं, इसको फाइव वन, तो फाइव वन यहाँ पर ये है क्यों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा, ये फाइव टू हो जाएगा, ये फाइव टू, ये फाइव वन हुआ और ये फाइव टू क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटर नॉर्मल टू द सर्फेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं ना यूनिट नॉर्मल वैक्टर, ये जो डी कैप है उसको यूनिट नॉर्मल वैक्टर बोलते हैं, तो उसी का वैल्यू ये दिया हुआ है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो फाइव वन का वैल्यू कितना हुआ, x, y, z, फाइव टू का वैल्यू कितना हुआ, मतलब जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव d कैप का सरफेस है वो क्या हुआ, देखिए z को ही रहने दीजिए और ये x, y को इधर दीजिए, तो x, z माइनस एक्स वाई, ठीक है, या फिर एक्स वाई माइनस जेड भी आप बोल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग एक्स वाई माइनस जेड लिखते हैं, एक्स वाई को ऐसे रहने देते हैं, जेड को इधर भेज देते हैं, एक्स वाई माइनस जेड, ठीक है। तो ऐसे आपको सरफेस डिसाइड करना है कि कौन सा किसका सरफेस है। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि डेल फाइव वन निकालते हैं, इस डेल फाइव वन को पहले हम लोग इवेल्युएट करेंगे। तो डेल, आपको पता है कि डेल ऑपरेटर को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, मतलब कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ना, आपको खुद भी ट्राई करना है क्वेश्चन। तो डेल फाइव वन, तो डेल को पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, और फिर यहाँ पर क्या है फाइव वन, तो फाइव वन कितना है, सो दिस इज फाइव वन, तो फाइव वन इज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जब इसको करेंगे तो ये वाला पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, जब इसके साथ जाएगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे तो कितना होगा, वाई जेड, वाई जेड और ये आई कैप है सही, प्लस फिर जब इसको यहाँ भेजेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स जेड जे कैप प्लस जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स वाई जे कैप। तो ये आ गया आपका डेल फाइव। अब हम लोग आते हैं इस पे डेल फाइव टू पे, डेल फाइव टू कैसे निकलेगा, डेल फाइव टू किसका सरफेस है, डायरेक्शन ये डी वेक्टर का, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का। तो डेल फाइव टू निकालते हैं, तो डेल फाइव टू डायरेक्टली निकालते हैं, तो देखिए ये दिया होगा ना आपको, तो इसको हम लोग लिखते हैं पहले, डेल ऑपरेटर लिखना ही पड़ता है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ए कैप, और ये देखिए ये फाइव टू है, फाइव टू कितना है, दिस इज फाइव टू एक्स वाई माइनस जेड, दिस इज फाइव टू, ठीक। तो जब आप इसको यहाँ भेजिएगा, इसको पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, क्लियर है ना, ठीक है। कितना हो जाएगा, थोड़ा पानी पी लिया जाए, तो इसको जब यहाँ भेजेंगे, तो इसको जब यहाँ भेजेंगे तो x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन वन, y ऐसे ही रहेगा और z का डिफरेंशिएशन जीरो x के रिस्पेक्ट में, वाई आई कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, x j कैप प्लस z के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस वन बचेगा, माइनस वन, डिफरेंशिएशन आना चाहिए बार बार हम बोलेगा, ये क्या हो जाएगा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप माइनस ए कैप, करेक्ट। तो दिस इज डेल फाइव टू, ठीक। अब डेल फाइव टू सिर्फ तो हम लोग को नहीं चाहिए था, यहां पर देखिए डेल फाइव टू का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, क्योंकि हमको ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूरा निकालना है, तो उसके लिए ये मैग्नीट्यूड भी चाहिए इसका। तो डेल फाइव टू जो हम लोग निकाले उसका मैग्नीट्यूड भी लेते हैं, डेल फाइव टू का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहां से निकालिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन। तो ऐसा हम लोग करते हैं ना, कोऑर्डिनेट पुट कर लेते हैं, पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग जो डेल फाइव टू निकाले उसको यहाँ लिखते हैं, डेल फाइव टू कितना निकाले हम लोग, वाई आई कैप एक्स जे कैप माइनस के कैप, वाई आई कैप एक्स जे कैप माइनस के कैप। तो वाई कितना है क्वेश्चन में, देखिए पॉइंट थ्री कॉमा वन कॉमा वन दिया, पॉइंट क्या दिया हुआ है थ्री, तो यहाँ पर कितना हम लोग पुट करेंगे, वन। तो एक्स वाई का देखिए, ये एक्स है, ये y है और z है, ये तो पता है ना आपको, ठीक है। यहाँ पर x कितना है, सॉरी y है 1, y का वैल्यू 1 यानी कि i कैप प्लस x का वैल्यू कितना है 3, तो 3j कैप, 3j कैप माइनस k कैप, तो k कैप ऐसे ही रहेगा, ये आ गया डेल फाई टू, ये डेल फाई टू का वैल्यू आ गया एग्जैक्ट,
अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट अंडर वन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, अरे इलेवन, करेक्ट डायरेक्ट आपको पता है। यहाँ पर हम लोग डेल फाई टू का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन, और फिर वन का स्क्वायर तो वन, तो वन प्लस नाइन प्लस वन कितना होगा थ्री, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए आपको पता होगा। तो हम लोग रूट अंडर इलेवन निकाल लिए और डेल फाई टू हम लोग निकाल चुके हैं, तो डेल फाई टू एक बार निकालते हैं हम लोग यहाँ से, डेल फाई वन आई मीन फाई वन, डेल फाई वन भी चाहिए, तो डेल फाई वन ये रहा, इसमें कोऑर्डिनेट बस पुट करना है, ठीक है। तो डेल फाई वन क्या है, एक्स वाई, तो उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, एक काम करते हैं यहीं से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये y का वैल्यू कितना है, वन, चलिए लिखते हैं पहले आपके लिए, ये लीजिए x, सॉरी अच्छा से लिखते थोड़ा, डेल फाई वन इक्वल्स टू कितना निकाले हम लोग, वाई जेड आई कैप, वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप, एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, एक्स वाई के कैप, यही है ना, वाई जेड कितना है, y कितना है, सो y यहाँ पर दिया हुआ है वन, वाई वन जेड कितना है थ्री इंटू थ्री आई कैप, एक्स कितना है थ्री, जेड कितना है, जेड इज अगेन थ्री जे कैप प्लस एक्स इज अगेन थ्री, ची ची बच्चे वाला, यहाँ पर वाई का वैल्यू अगेन वन है, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ से डेल फाई टू कितना आ रहा है फाइनली, डेल फाई वन आई मीन थ्री वन द थ्री आई कैप प्लस नाइन जे कैप प्लस थ्री के कैप, इतना कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं, थ्री आई कैप प्लस नाइन जे कैप प्लस थ्री के कैप, एक्स का वैल्यू वहाँ पर था जेड, एक्स एक्स जेड, ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट, एक्स वाई, हाँ करेक्ट सही। तो ये डेल फाई टू हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर, डेल फाई टू ये निकाले हम लोग, थ्री आई कैप समझ में तो आ रहा है ना आपको, अरे बहुत आसान है भाई, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, नाइन जे कैप प्लस थ्री के कैप, ये हुआ। और फिर हम लोग यहाँ पर देखिए डेल फाई टू, तो डेल फाई टू कितना है, डेल फाई टू ये रहा डॉट, डेल फाई टू क्या है, आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, ये डेल फाई टू हुआ डिवाइडेड बाई ये है, देखिए ये निकाले हम लोग मॉड, तो मॉड कितना है इसका, मॉड है रूट अंडर इलेवन, रूट अंडर इलेवन, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है डॉट प्रोडक्ट, ये कितना हो जाएगा थ्री वन, थ्री वन जा थ्री, आई कैप इज वन प्लस नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, जे कैप इज वन, यहाँ पर थ्री वन जा कितना हो जाएगा थ्री, एक मिनट देखिए थ्री वन जा थ्री, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस के कैप वन, और नीचे कितना है रूट अंडर इलेवन, थ्री से थ्री मर गया कितना आया ट्वेंटी सेवन बाई रूट अंडर इलेवन, तो दिस इज द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वही निकालना था, देखिए आंसर भी वही है ट्वेंटी सेवन बाई रूट अंडर इलेवन, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए हम लोग कैसे गए हैं, यहाँ से शुरू किया, ये बेसिकली ये मेन पेपर मैपो करना है, बाकी वो सब भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं साइड में, बट मेजरली यही है, ये कैलकुलेशन लगाया हम लोग यहाँ से, दिस इज द कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन लगाया हम लोग, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, जब दो सरफेस दिया रहेगा तो कैसे, ये इसको हम लोग फाई वन क्यों लिए, इसको फाई वन इसीलिए लिए क्योंकि यहाँ पर लिखे डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसी के अलावा निकालने बोला है, इसको फाई टू क्यों लिए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ आउटर नॉर्मल सर्फेस, इसलिए इसको हम लोग फाई टू लिए, क्लियर है आपको, समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, है ना, और आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए तो ही आपको क्लियर होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें। सो एक और क्वेश्चन देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फंक्शन u इक्वल्स टू एक्स वाई जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 1, 0, 3, कैसे करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द फंक्शन है ना फाई, फाई को फंक्शन मतलब फाई के बारे में बात कर रहा है, तो यही है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपको पहले ही बताया हुआ है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को ही हम लोग ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई बोलते हैं, तो अगर आपको ऐसे लिखा भी रहा है तो आपको समझ जाना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ही बात कर रहा है। तो कैसे करना है इसको, देखिए सबसे पहले तो अच्छा इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आंसर नाइन आएगा इसका, और आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है और एक सर्फेस दिया है, तो क्या ही करना है भाई, सबसे आसान क्वेश्चन यही है लेक्चर का, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, डेल फाई डॉट डी कैप, ठीक है डेल फाई डॉट डी कैप, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डेल, तो डेल का मतलब क्या है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, करेक्ट ये होता है। और फाई कितना दिया हुआ है, दिस इज फाई,
देखिए u लिखा हुआ है तो उससे क्या मतलब है भाई, u लिखा हुआ है तो उससे क्या लेना देना, फाई ही है तो फाई। हम लोग फाई का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स वाई जेड स्क्वायर, दिस इज फाई इन द क्वेश्चन। ये फाई यहाँ पर देखिए ये फाई है, तो उस फाई को हम लोग पुट करते हैं, फाई कितना है एक्स वाई जेड स्क्वायर, करेक्ट सही। डी डॉट है यहाँ पर तो डॉट लगा देते हैं, ये डॉट है तो ये डॉट लगा देते हैं, और यहाँ पर डी कैप, तो डी कैप का मतलब क्या होता है, डी कैप का मतलब डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, करेक्ट। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि डी वेक्टर निकालते हैं, तो डी वेक्टर निकालने के लिए यही करना पड़ेगा डेल फाई, तो डेल फाई पहले इधर ही साइड में देखिए, डेल फाई यहीं से डायरेक्ट निकालिए, डेल फाई यहां से क्या आएगा जब ये इसके साथ जाएगा ये वाला टर्म एक्स के पास जाएगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा वाई जेड स्क्वायर आई कैप, प्लस जब ये यहां जाएगा तो वाई का डिफरेंशिएशन वन और एक्स जेड स्क्वायर जे कैप, प्लस जब ये वेक्टर यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब ये स्केलर यहां जाएगा तो कितना होगा जेड के रिस्पेक्ट में टू एक्स वाई जेड और क्या बचेगा के कैप, टू एक्स वाई जेड के कैप, ठीक है। यह आया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अच्छा यहाँ पर डॉट डी कैप ना, डॉट डी कैप, तो इस डी कैप को हम लोग निकालते हैं, तो डी कैप क्या होता है, डी कैप भी वही होता है डेल फाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, तो डेल फाई तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, दिस इज डेल फाई, ठीक है, बता रहे ना आपको सरफेस सेम दिया है, तो सरफेस जब सेम देगा है ना, सरफेस तो जो देखिए ये जो हम लोग डेल फाई करते हैं और ये जो डी कैप करते हैं तो उसके अंदर भी सरफेस होता है, तो इसका जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है दोनों मैच करेगा, सेम है दोनों सरफेस, तो इसलिए जो डेल फाई इसका निकला है वही डेल फाई इस डायरेक्शनल ये इस यूनिट नॉर्मल वेक्टर का भी वही डेल फाई होगा, समझ में आया आपको, इसी चीज को समझना है बेसिकली आपको। तो डेल फाई कितना है, दिस इज डेल फाई कितना है वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस, इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं, ऐसा करते हैं यहां पर लिखते हैं कितना है वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे कैप प्लस टू एक्स वाई जेड कैप अपॉन डेल फाई का मैग्नीट्यूड, डेल फाई का मैग्नीट्यूड यानी कि इसी का मैग्नीट्यूड, तो डेल फाई का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, डेल फाई का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका कोऑर्डिनेट्स पुट करना पड़ेगा, तो इसमें सारा वैल्यू को पुट कीजिए, कोऑर्डिनेट क्या है देखिए 1, 0, 3 ये एक्स हुआ ये वाई हुआ ये जेड हुआ, करेक्ट, पुट कीजिए उसको, तो यहाँ पर जब आप इसको वाई को पुट कीजिएगा कितना आएगा, ये वाई का वैल्यू कितना होगा 0 है वाई का वैल्यू, ये 0 हो जाएगा तो 0 आई कैप प्लस यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है 1, जेड का वैल्यू कितना है 3, तो 3 जे कैप, एक्स का वैल्यू 1 है ना, हाँ अच्छा 3 का स्क्वायर होगा ना क्योंकि जेड स्क्वायर है, जे कैप प्लस 2 एक्स वाई जेड, तो वाई तो 0 है तो ये 0 के कैप, करेक्ट। तो यहाँ पर भी ये जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना होगा देखिए, मैग्नीट्यूड देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे ना और ये वेक्टर आया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर डॉट इसको लिख देते हैं, ये देखिए ये डॉट में डी कैप ना, यहाँ पर डी कैप लिखते हैं, डॉट डी कैप तो लेकर चलते हैं यहाँ पर डॉट डी कैप, ये डी कैप डी कैप डी कैप, तो यहाँ भी क्या होगा डॉट डी कैप और इस डी कैप को हम लोग इस तरफ निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए हम लोग मैग्नीट्यूड जो निकाले मैग्नीट्यूड यहाँ लिख देते हैं साइड में, ये डी मतलब आई मीन डी वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होगा, दिस इज तो रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर कितना आ रहा है रूट अंडर 9, ये आया डी वेक्टर रूट अंडर 9, ठीक है, तो लिख लेते हैं उसको हम लोग रूट अंडर 9 आ रहा है, क्या लिख लेते हैं रूट अंडर 9, ठीक। बताए ना आपको कि ये जो डेल्फाई निकाल रहे हैं तो डेल्फाई का मैग्नीट्यूड लेना था, तो यानी ये जो डेल्फाई हम लोग ये निकाले उसी का मैग्नीट्यूड, तो उसका मैग्नीट्यूड 9 आया। अच्छा ये सारा वैल्यू को पुट करके इसी को लिखेंगे, अरे भाई ये जो डेल्फाई है वही डेल्फाई तो यहाँ भी है, आ रहा है ना समझ में, तो उतना टेंशन लेना क्या, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कितना है 9 का स्क्वायर जे कैप, 9 जे कैप अपॉन रूट अंडर 9, ठीक है। देखिए ये 9 ये 3 का स्क्वायर 9 होता ना, 9 जे कैप और ये रूट अंडर 9, तो इसको हम लोग अब लिख देते हैं, तो डी कैप हम लोग निकाल चुके हैं, यही डी कैप होगा ना भाई, ये जो हम लोग निकाले ये डी कैप है, दिस इज डी कैप, डी कैप निकाल रहे थे हम लोग, तो इस डी कैप को यहाँ पुट करते हैं, डी कैप देखिए वो डी कैप है 9 जे कैप, 9 जे कैप अपॉन रूट अंडर 9, करेक्ट। अच्छा ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, रूट अंडर 9 आ रहा है नीचे में, करेक्ट, रूट अंडर 9 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा
9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो यहाँ पर एक मिनट इसका स्क्वायर करना होगा ना, 3 का स्क्वायर यहाँ पर पहले ही 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जब हम लोग मैग्नीट्यूड लेकर निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड में स्क्वायर करते हैं ना तीनों टर्म्स का, तो ये 0 का स्क्वायर 0, 9 ये 3, ये इसका भी स्क्वायर देखिए यहाँ पर 9 होगा ना, इसको हटाइए 3 का स्क्वायर 9 लिखिए डायरेक्ट यहाँ पर, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा ना यहाँ पर, यहाँ 81 होगा तो उसका रूट फिर 9 आएगा, तो यहाँ पर नीचे में सिर्फ 9 होगा, रूट 9 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर 9 बचेगा सिर्फ, दिस विल बी ओनली 9, ठीक है, ये सिर्फ 9 होगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सिर्फ 9 है ये, ओनली 9, ठीक, तो यहाँ पर ये 9 जे कैप, इसको आप साफ साफ लिखते हैं ये 9 जे कैप है, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ क्या है 9 जे कैप, दिस इज 9 जे कैप अपॉन नीचे में क्या है 9 जे कैप 1 डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, जे कैप जे कैप 1, 9 9 जे 81, तो 81 अपॉन 9, तो 9 1 जे 9, 9 9 जे 81, आंसर कितना आएगा 9, ऐसा आपको करना था इसको। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, देखिए यहाँ पर तो हम लोग ये जो प्रोसेस किए हैं, ये प्रोसेस हम लोग क्या किए हैं, डी कैप को निकालने के लिए किए, ये प्रोसेस साइड वाला मेन पेपर में आपको ये करना है, ठीक है, ये आपको मेन पेपर में इसको करना है, ठीक है। हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ना। इसके बाद जो हम लोग वीडियो लेने वाले हैं वो ये इसके ऊपर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब के ऊपर लेने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में कहीं पर भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव में कोई डाउट आए तो आप उसको कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन कमेंट में मतलब लिख सकते हैं उस क्वेश्चन को, या फिर क्वेश्चन नंबर, या फिर जो भी बुक है उसका क्वेश्चन, ठीक है। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं ग्रेडियंट पे, डाइवर्जेंस पे, कर्ल पे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।